आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अवैध रेत परिवहन में संलिप्त फर्जी बिट पास के साथ आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। आपको बता दें कि दिनांक 22 सितंबर 2021 को प्रार्थी गौरव राघव, पिता अवनीश कुमार राघव, निवासी रायपुर, वर्तमान पता लखनपुर, जिला सरगुजा द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वे डीवी लिमिटेड के प्रभारी हैं एवं इस कंपनी के द्वारा वर्तमान में अंबिकापुर से शिवनगर तक NH 130 पर सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इन्हें जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के रवि कुमार पहरिया नामक व्यक्ति द्वारा इनके नाम से फर्जी बिट पास तैयार कर बिक्री कर रहा। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी रवि कुमार पहरिया के विरुद्ध धारा 420 भादवे के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। मामले में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री रामकृष्ण साहू के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुशील नायक के निर्देशन में मामले के आरोपी रवि कुमार पहरिया की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने बाबत टीम रवाना की गई। प्रार्थी द्वारा अपने कथन में आरोपी रवि पहरिया के वर्तमान में वाड्रफ नगर के ही किसी लॉज में रुके होने की जानकारी बताई गई थी, जो पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफ नगर श्री अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में चौकी वाड्रफ नगर की पुलिस टीम द्वारा वाड्रफ नगर के लॉज की चेकिंग प्रारंभ की गई। तो आरोपी रवि पहरिया अतिथि लॉज में ठहरा हुआ मिला। पूछताछ करने पर प्रारंभ में तो आरोपी रवि टाल मटोल करने लगा, किंतु कड़ाई से पूछताछ करने पर फर्जी तरीके से बिट पास तैयार कर रेत परिवहन करने वाले ट्रक वालों को बेचा जाना स्वीकार किया। आरोपी रवि कुमार पहरिया से दो बंडल सील लगा बिट पास, 6 नग रबर सील, 1 नग नंबरिंग की मशीन मेमोरेंडम के आधार पर जब्त की गई है। मामले में दौरान विवेचना धारा 467, 468, 471 भादवे जोड़ी गई है। मामले के आरोपी रवि कुमार पहरिया, पिता अशोक कुमार पहरिया, उम्र 29 वर्ष, ग्राम डोमन खेड़ा सिंहपुर तहसील व थाना करबी जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश को दिनांक 23 सितंबर 2021 के दिनांक 23 सितंबर 2021 को 19 गिरफ्तार कर दिनांक 23 सितंबर 2021 को गिरफ्तार कर दिनांक 24 सितंबर 2021 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बीबीसी लाइव के लिए डिविजनल हेड राजू पटेल की खास रिपोर्ट। सर, फर्जी बिट पास को लेकर के कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है, क्या कुछ मामला है सर? हमें सूचना मिली थी कि कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आकर वाड्रफ नगर क्षेत्र में फर्जी बिट पास बेच करके SH 420 का कार्य कर रहे हैं। तो वैसी सूचना पर हमारे वाड्रफ नगर चौकी पुलिस ने दबिश देकर एक व्यक्ति रवि भारिया को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से फर्जी बिट पास लगभग 300 नग और फर्जी सील मुहर आदि भी बरामद किया गया है और भविष्य में भी ऐसी फर्जी बिट पास बेचने संबंधी कोई भी सूचना मिलेगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में उसे गिरफ्तार कर नए रिमांड पर भेजा गया। सर, जो इस तरह से 420 का काम लोग कर रहे हैं बाहर से आके, और लोगों का इसमें संलिप्त होने का है सर, या प्रश्न लगे व्यक्ति का ये सब मामला है? वर्तमान में मुख्य आरोपी यही रवि पहरिया ही है, इसे गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि उसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।